हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिस्ट्री ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चित्तौड़गढ़ ज़िले के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाए हैं जो हमारे देश में हाल ही में बहुत प्रचलित थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का इतिहास एवं चित्तौड़गढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। हमारे देश के महान वीरों की जन्मभूमि है। इस भूमि पर कई वीरों ने जन्म लिया है और कई वीरांगनाओं ने अपनी अनबान शान के लिए इसमें अपने प्राण न्योछावर किए हैं। चित्तौड़गढ़ भारत देश के एक राज्य राजस्थान का एक शहर है। यह शहर 180 मीटर पहाड़ी पर बने महल के लिए प्रसिद्ध है, जो 700 करोड़पूर्ण 9 एकड़ में फैला हुआ है। ये कितना पुराना है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर महाभारत काल में महाबली भीम अमर होने के रहस्य बारे में जानने के लिए इस जगह दौरा किया था। इस किले से जुड़ी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। आज ये स्मारक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये राज्य शुरू से मौर्य एवं राजपूतों के अधीन में रहा है। ये राज्य मेवाड़ शासकों के अधीन कब आया, इसको लेकर राजपूतों की अलग अलग राय हैं। ऐसा माना जाता है चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था और इसका नाम भी मौर्य शासक चित्रागंध मौर्य के बाद ही रखा गया था। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी के रूप में देखा गया था। उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ की 8वीं शताब्दी में सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर देश के एक हिस्से के रूप में मिला था। उसके बाद बप्पा रावल के वंशजों ने इस पर राज किया था। इतिहास के पन्नों के अनुसार इस किले में 7वीं शताब्दी से 1568 तक राजपूतों के सूर्यवंशी वंश ने राज किया। राजपूतों ने इस राज्य का परित्याग किया क्योंकि 1567 में मुगल शासक अकबर ने इस किले को घेरा था। उसके बाद अकबर ने इस किले को कई बार नष्ट भी किया। लंबे समय बाद 1902 में इसकी फिर से मरम्मत कराई गई। इतिहास में इस किले के कई बार टूटने और कई बार निर्माण करने की कहानियाँ हैं। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण तो कई बार हुए, पर इस किले को राजपूतों के पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच इस राज्य को 3 बार लूटा गया। सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को धोखे से हराकर चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में किया था। उसके बाद 1534 में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस किले को गैर महाराजा विक्रमजीत को पराजित किया था। उसके बाद 1567 में मुगलों के बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप पर 3 बार आक्रमण करने के बाद इस किले पर अपना शासन कायम किया था। यदि ये घेराबंदी के समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समय इस किले में राजपूतों का शासन रहा है। महाराणा प्रताप ने इस किले को छोड़ उदयपुर की स्थापना की थी, लेकिन इन तीनों लड़ाइयों में राजपूतों ने हर तरीके से अपने राज्य को बचाने की कोशिश की थी। इस किले की रक्षा के लिए उन्होंने तीनों बार अपने कई राजपूत सैनिकों को खोया है। इन युद्ध में हारने के बाद राजपूतों सैनिकों की लगभग 16,000 से अधिक महिलाओं ने उनके बच्चों ने जोहर कर अपने प्राणों का बलिदान किया था। चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण किए गए। जब भी चित्तौड़गढ़ का राजा युद्ध में परास्त हुआ, तब तब वहाँ की वीरांगनाओं को जोहर का रास्ता चुन अपनी अनबान शान की रक्षा है। राजपूत वीरांगनाओं का इतिहास में बलिदान अतुल्य है। सबसे पहले जब 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तब राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने युद्ध अपने पति की जान चली जाने के कारण जोहर किया था। उसके बाद 1537 में रानी कर्णावती ने जोर किया था। इसलिए ये महल हिम्मत वीरता श्रेष्ठ प्रेम और मेवाड़ के वीरों और उनकी महिलाओं और बच्चों के बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। इस राज्य के सैनिक महिलाएं बच्चे यहाँ के राजाओं ने कभी मुगल शासकों के सामने घुटने टेकने की बजाय अपनी जान की आहुति देना सही समझते थे। चित्तौड़गढ़ के नाम के कई जीत शामिल हैं और हर जीत पर वे एक राजा कुछ न कुछ जरूर किया करते हैं। ऐसी एक जीत ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की नींव रखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ को चित्तौड़गढ़ का विजय का प्रतीक माना जाता है। राणा कुंभा ने 1408 से 1458 के बीच मालवा के सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम खिलजी पर हासिल कर चित्तौड़गढ़ में स्तंभ की नींव रखी थी, जिसे विजय स्तंभ नाम दे दिया गया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण उस युद्ध के लगभग 10 साल बाद शुरू किया गया था। विजय स्तंभ 36.2 मीटर या 122 फीट ऊंचा है, 47 वर्ग फीट आधार पर बना है। विजय स्तंभ में कुल 8 मंजिल है, जिसमें 157 सीढ़ियां हैं, जहां से आप चित्तौड़गढ़ का पूरा सुंदर नज़ारा देख सकते हैं।
चित्तौड़गढ़ एक ऐसी वीर भूमि है जो पूरे भारत में शौर्य और बलिदान देशभक्ति का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर अनगणित राजपूत वीरों ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने खून से नहाए हैं। यहाँ राजपूत महिलाएं अपने गौरव और अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने बच्चों के साथ जोर की अग्नि में समाई गई। इन स्वाभिमानी देश प्रेमी योद्धाओं से भरी पैड़ी यह भूमि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रह गई है। यहाँ का कण कण हम में देश प्रेम की लहर पैदा करता है। यहाँ की हर एक इमारतें हमें एकता का संकेत देती है।